नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे देश भर के किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद का असर पूरे देश के कोने कोने में दिखने लगा है। कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, साथ ही कई जगहों पर रेल यातायात बाधित करके चक्का जाम करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन भी रोक दी है। वहीं कई जगह सड़क बंद करके केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हरियाणा और पंजाब में भी बंद का व्यापक असर दिख रहा है। किसान संगठनों के साथ विपक्ष की मांग है कि सरकार इन नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले। भारत बंद का बिहार के फारबिसगंज में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा NH-27 को जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर राजद कार्यकर्ताओं ने जगह जगह टायर जलाकर आगजनी की और विरोध प्रकट किया। भारत बंद को लेकर NH पर लंबी जाम लग गई है। बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। पिछले 12 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत से अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। अब दोनों पक्ष छठे दौर की बातचीत के लिए कल बैठक करेंगे। हरियाणा, पंजाब के अलावा यूपी, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, MP, राजस्थान और तमिलनाडु के किसानों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। स्टार डी न्यूज़ रिपोर्ट। देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़। हर खबर का असर